अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, और आज मैं अपनी स्टोरी विजिट ऑफ ओस के सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो हमने कहाँ स्टॉप किया था? बिल्कुल, हमने पढ़ा था कि डोरोथी अपने फ्रेंड्स के साथ एमरल्ड सिटी की तरफ जा रही है। और उसके फ्रेंड्स कौन कौन हैं? जी बिल्कुल, उसके फ्रेंड्स हैं स्केयरक्रो, टिन मैन, लायन एंड हर स्मॉल क्यूट ब्लैक डॉग टोटो। और ये सब एमरल्ड क्यों जा रहे हैं? बिकॉज दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम द ग्रेट विजर्ड। चलें अब हम शुरू करते हैं। एट लास्ट द रोड लेफ्ट द फॉरेस्ट। नाउ दे कुड सी फील्ड्स ऑफ फ्लावर्स ऑल अराउंड देम, ब्राइट रेड पॉपीज। अब वो उस जंगल से निकल गए और वो आ गए एक ऐसी जगह पे जहां पे हर तरफ प्यारे खूबसूरत रेड फ्लावर्स थे। They are beautiful, said Dorothy, and they smell wonderful. She sat down and closed her eyes. Toto lay down beside her and the lion yawned. Dorothy उन प्यारे प्यारे पोपीज के अंदर लेट गई और उनकी खुशबू से वो महसूस होने लगी। Something is wrong, said the scarecrow. The poppies are making them sleep. But you are all right, said the tin man. And so am I, because we can't smell anything. अब स्केयरक्रो ने कहा कि मुझे लगता है कि इन फूलों के अंदर कोई खराबी है, क्योंकि इसकी वजह से डोरोथी और टोटो नींद में जा रहे हैं, जबकि हम तो सूंघ नहीं सकते, इसलिए हमें कुछ भी नहीं हो रहा। लेट्स कैरी डोरोथी एंड टोटो टू समवेयर सेफ। चलो हम इनको कहीं सेफ जगह पर ले जाते हैं। लाइन, यू मस्ट रन एज फास्ट एज यू कैन बिफोर यू फॉल अस्लीप टू। They carried Dorothy and Toto far away from the poppy field. Soon the lion felt more awake and much better. और साथ ही उन्होंने शेर से कहा कि तुम भी तेज भागो ताकि तुम इनकी खुशबू से सो ना जाओ। और फिर वो डोरोथी और टोटो को भी लेके जल्दी से वहां से निकल गए। Wake up, Dorothy, said the scarecrow. Look, Dorothy opened her eyes. फिर उसने कहा कि Dorothy अपनी आंखें खोलो। That must be the Emerald City, she said. उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि ये Emerald City है, और आप भी देख रहे हैं कि इसकी जो कलर है वो Emerald की तरह का है। The city had a high wall around it. Its gates were covered in shining emeralds. As they arrived, the gates opened and they walked into a high room. There was a little man wearing green cloth. He had a box full of green glasses. और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो उस शहर में एंटर हो गए जिसकी बहुत बड़ी बड़ी सी ग्रीन वॉल्स थी, और गेट भी उनके लिए अपने आप से खुल गया। और जैसे ही वो अंदर गए तो वो एक ऐसे कमरे में आ गए जहां पर एक छोटा सा आदमी था जिसने कि ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उसके पास एक बॉक्स भी था जिसमें ग्रीन कलर के ग्लासेस थे। वेलकम टू आवर सिटी, ही सेड। You must wear these glasses or the emerald light will hurt you, your eyes. Even Toto had to wear some. What would you like to do now? The man asked. अब उस आदमी ने कहा कि आपको यहाँ पर ही ग्रीन ग्लासेस पहनने पड़ेंगे, वरना इन एमरल्ड की जो श्वाएं हैं ये आपकी आंखें खराब कर सकती हैं। इवन टोटो को भी पहनना पड़ेंगे। We've come to see the great wizard, said Dorothy. Dorothy ने उसे बताया कि हम great wizard को मिलने आए हैं। The little man was so surprised that he almost fell over. That's impossible, he said. The great wizard never sees strangers. I have never seen him myself. I've only heard his voice. वो इतना हैरान हुआ कि वो गिरने लगा। फिर उसने कहा कि ये तो नामुमकिन है, क्योंकि वो तो किसी से मिलता ही नहीं है, और इवन कि मैंने भी उसे कभी नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी है। प्लीज आस्क हिम, सेड डोरोथी, इट्स इम्पोर्टेंट। डोरोथी ने फिर उसे इल्तजा की कि आप उससे कहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। द फ्रेंड्स फॉलोड द लिटिल मैन थ्रू द सिटी। दे सॉ ग्रीन एवरीवेयर, ग्रैंड ग्रीन हाउसेस, ग्रीन ट्रीज एंड ग्रीन फ्लावर्स। ग्रीन पीपल walked in the green streets under a green sky. Dorothy thought they looked happy. अब इसके बाद वो चल पड़े, और चलते हुए उन्होंने देखा कि हर चीज का रंग हरा था। घर,
रोड, लोग, उनके कपड़े और वो सब खुश नजर आ रहे थे। दे रीच्ड एन एनॉर्मस प्लेस एंड द लिटिल मैन वेंट इनसाइड। फाइनली ही केम बैक। यू आर वेरी लकी, द ग्रेट विजर्ड विल सी यू, ही सेड। यू मस्ट गो इन वन एट अ टाइम। और उसके बाद उस आदमी ने आके खुशखबरी सुनाई कि ग्रेट विजर्ड तुम लोगों से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन एक एक करके जाना होगा। डोरोथी पिक्ड अप टोटो एंड वेंट इन टू अ ह्यूज हॉल। एट वन एंड वॉज अ थ्रोन, एंड ऑन द थ्रोन वॉज अ जाइंट ग्रीन हेड विदाउट अ बॉडी। और फिर जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा हॉल था और उसके एक कोने में एक तख्त था और तख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा सा हरे रंग का सर था जिसकी कोई बॉडी नहीं थी। यू कैन सी दिस इन पिक्चर एज वेल। आई एम द ग्रेट विजर्ड, सेड द हेड। इट हैड क्वाइट अ नॉर्मल वॉइस। व्हाट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? तो उसने कहा कि मैं ग्रेट विजर्ड हूँ, तुम बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। प्लीज, सेड डोरोथी, आई वॉन्ट टू गो होम टू अंकल हेनरी एंड आंट एन। वॉट शेल आई डू? यू मस्ट किल द विकेट विच ऑफ द वेस्ट, सेट द हेड। तो डोरोथी ने बताया कि वो वापस अपने अंकल और आंट के पास जाना चाहती है, अब उसे क्या करना होगा। तो बड़े सर वाले विजर्ड ने कहा कि तुम्हें विकेट विच ऑफ द वेस्ट को मारना पड़ेगा। आई कान डू दैट, सेट डोरोथी, इट्स द ओनली वे, सेट द हेड। नाउ गो, उसने कहा कि इसके लिए तुम्हें यही काम करना पड़ेगा और चले जाओ। Dorothy came out and told her friends. They felt very sorry for her, but they couldn't think how to help. It's your turn now, Scarecrow, said Dorothy. अब Dorothy ने बाहर आके अपने दोस्तों को सब कुछ सुनाया जो कुछ उसके और ग्रेट विजर्ड के दरमियान में गुजरा, और उसके दोस्तों ने उसके साथ हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि वो कैसे डोरोथी की मदद कर सकते हैं। बहरहाल डोरोथी ने कहा स्केयरक्रो से कि अब तुम्हारी बारी है। ऑन द थ्रोन वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी विद एन एमरल्ड क्राउन। अब जब स्केयरक्रो अंदर गया तो अब की दफा तख्त पर एक खूबसूरत सी प्यारी सी औरत थी जिसके ऊपर एक ग्रीन कलर का क्राउन था। आई एम द ग्रेट विजर्ड, सेड द लेडी, हु डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आई वुड लाइक सम ब्रेन, सेड द स्केयरक्रो। तो स्केयरक्रो ने कहा कि मुझे अपना दिमाग चाहिए। वेल देन यू मस्ट किल द विकेट विच ऑफ द वेस्ट, सेड द लेडी। और फिर उस लेडी ने भी यही कहा कि तुम्हें इसके लिए विकेट विच को मारना होगा। बट दैट्स वॉट यू टोल्ड डोरोथी। तो स्केयरक्रो ने कहा कि तुमने तो यही बात डोरोथी को भी कही है। I don't mind who kills her, said the lady, but until she is dead, I can't help you. लेकिन उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन उसको मारेगा, लेकिन जब तक कि वो मर नहीं जाती मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती। The scarecrow went out and told the friends. अब scarecrow ने बाहर आके अपने दोस्तों को सारी बात बताई। That's rather cruel, said the tin man. Perhaps the wizard doesn't have a heart either. He went into the hall next. उसने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा जुल्म वाली बात है। और टिन मैन ने कहा कि शायद विजर्ड के पास अपना कोई हार्ट ही नहीं है। अब जब वो हॉल में गया तो he saw a monster on the throne with five eyes and five arms and five legs. तो उसने देखा कि थ्रोन पर एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसकी पांच आंखें हैं, पांच बाजू हैं। आई एम द ग्रेट विजर्ड, सेड द मॉन्स्टर। और मॉन्स्टर ने कहा कि मैं ही हूं ग्रेट विजर्ड। व्हाट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आई वुड लाइक अ लविंग हार्ट, सेड द टिन मैन। तो टिन मैन ने कहा कि मुझे एक प्यार करने वाला दिल चाहिए। वेल देन यू मस्ट हेल्प डोरोथी एंड द स्केयरक्रो टू किल द विकेट विच ऑफ द वेस्ट, सेड द मॉन्स्टर। तो अब की दफा मॉन्स्टर ने कहा कि फिर तुम्हें अपने दोस्तों की हेल्प करनी चाहिए उस विकेट विच को मारने में। फाइनली इट वॉज द लाइन्स टर्न। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मॉन्स्टर्स, ही सेड, बट इंस्टेड ऑफ अ मॉन्स्टर ही सॉ अ बॉल ऑफ ग्रीन फायर।
और अब जब शेर कमरे में गया तो उसने क्या देखा कि वहां पर एक बड़े रंग की हरी सी गेंद थी। यू वॉन्ट मी टू मेक यू ब्रेव, आस्क्ड अ वॉइस फ्रॉम द फायर। अब उस आग में से आवाज आई कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ब्रेव बना दूं। देन फर्स्ट यू मस्ट किल द विकेट विच ऑफ द वेस्ट। और फिर उसने यही बात दोहराई कि सबसे पहले तुम्हें विकेट विच ऑफ वेस्ट को मारना होगा। Slowly the four friends left the palace. What shall we do now? said Dorothy. आहिस्ता आहिस्ता वो सारे फ्रेंड्स पैलेस से बाहर निकल आए। तो डोरोथी ने कहा कि अब हमें क्या करना होगा। आई सपोज वी शुड ट्राई टू फाइंड द विच एट लीस्ट, सेड द स्केयरक्रो। दे वेंट बैक टू द सिटी गेट एंड द लिटिल मैन टुक देयर ग्रीन ग्लासेस। तो स्केयरक्रो ने सजेस्ट किया कि अब हमें उस विच को ढूंढना पड़ेगा और फिर कहीं जाके हम उसको मार पाएंगे। फिर वो दोबारा गेट पर आए और अपने ग्रीन ग्लासेस वापस किए। विच रोड विल बी टेक अस टू द विकेट विच ऑफ द वेस्ट, आस्क्ड Dorothy. देयर इज नो रोड, सेड द मैन। वॉक टूवर्ड्स द इवनिंग सन, शी विल नो दैट यू आर कमिंग। तो अब Dorothy ने उस आदमी से पूछा कि हमें किस तरफ जाना होगा, कौन सी रोड पे जाना होगा। तो उस आदमी ने कहा कि वहां पे कोई रोड नहीं है, बस आप इवनिंग सन की तरफ चल पड़ो और उसको पता चल जाएगा कि तुम लोग आ रहे हो। द फ्रेंड्स वॉक टूवर्ड्स फील्ड ऑफ सॉफ्ट ग्रास, देन ओवर हिल्स वेयर द ग्रास वाज रफर। देयर वर नो ट्रीज नाउ एंड नो फार्म्स और हाउसेस। तो अब ये सब के सब दोस्त चल पड़े, सबसे पहले घास और उसके बाद फिर पहाड़ों पर जहां पर जो थी ग्रास भी रफ थी, और उसके बाद वहां पर कोई दरख्त भी नहीं थे, कोई फार्म या घर भी नहीं था। एट नाइट Dorothy एंड टोटो एंड द लायन ले डाउन ऑन द ग्रास टू स्लीप एंड द स्केयरक्रो एंड द टिन मैन वॉच्ड। अब रात में लायन, टोटो और Dorothy तो सो गए, जबकि स्केयरक्रो और टिन मैन उनको उनकी हिफाजत के लिए खड़े रहे। Someone else was watching too. इसके अलावा कोई और भी उन्हें देख रहा था। The wicket witch of the west only had one eye, but she could see a long way with that eye. और वो कौन था? वो थी wicket witch of west, जिसकी सिर्फ एक आंख थी, लेकिन अपनी इस एक आंख से वो बहुत दूर तक देख सकती थी। She was angry to find strangers in her country. और उसे अब गुस्सा आ रहा था कि कुछ अजनबी उसके मुल्क में घुस गए हैं। Slaves, she shouted. Some strange little people came in wearing yellow clothes. Slaves, go and fight them. उसने कहा कि नौकरों इधर आ जाओ। और फिर कुछ अजीब से लोग जिन्होंने पीले रंग की टोपियां पहनी हुई थी वो आ गए। ये आपको तस्वीर में भी नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। जाओ और जाके उनसे लड़ो। द लिटिल पीपल took sharp spears and ran to meet Dorothy and her friends. First the scarecrow and the tin man stood in front of the others. The little people threw their spears, but they couldn't hurt them. उसके बाद जो है उन्होंने अपने नेजे फेंके, लेकिन tin man और scarecrow ने अपने आप को इससे बचा लिया। Then the lion roared and the little people ran away. और फिर उसके बाद शेर इतनी जोर से दहाड़ा कि वो छोटे आदमी भाग गए। Fools, said the witch. She put on a golden cap and said a magic spell. A crowd of flying monkeys filled the air. और अब उसने गुस्से से क्या किया कि उसने एक गोल्डन कलर की कैप पहनी और उसके बाद उसने अपना एक जादुई मंत्र पढ़ा, और जिससे क्या हुआ कि हर तरफ उड़ने वाले बंदर आ गए। Bring me the four strangers. और उन्होंने कहा कि जाओ उनको पकड़ के लाओ। Wait, I don't need the scarecrow and the tin man. Just bring me the lion and the little girl. और फिर उन्होंने कहा कि देखो, उस tin man और scarecrow को मत लाना, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ उस शेर को, उस डॉग को और उस लड़की को लेकर आना। The monkey flew out, picked up the long way with that eye. और वो कौन था? वो थी विकेट विच ऑफ वेस्ट, जिसकी सिर्फ एक आंख थी, लेकिन अपनी इस एक आंख से वो बहुत दूर तक देख सकती थी।
शी वॉज एंग्री टू फाइंड स्ट्रेंजर्स इन हर कंट्री, और उसे अब गुस्सा आ रहा था कि कुछ अजनबी उसके मुल्क में घुस गए हैं. स्लेव्स, शी शाउटेड. सम स्ट्रेंज लिटिल पीपल केम इन वेयरिंग येलो क्लोथ्स. स्लेव्स, गो एंड फाइट देम. उसने कहा कि नौकरों इधर आ जाओ, और फिर कुछ अजीब से लोग जिन्होंने पीले रंग की टोपियां पहनी हुई थी वो आ गए. ये आपको तस्वीर में भी नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं. जाओ और जाके उनसे लड़ो. द लिटिल पीपल टुक शार्प स्पीयर्स एंड रैन टू मीट डोरोथी एंड हर फ्रेंड्स. फर्स्ट द स्केयरक्रो एंड द टिन मैन स्टूड इन फ्रंट ऑफ द अदर्स. द लिटिल पीपल थ्रू देयर स्पीयर्स बट दे कुडंट हर्ट देम. उसके बाद जो है उन्होंने अपने नेजे फेंके, लेकिन टिन मैन और स्केयरक्रो ने अपने आप को इससे बचा लिया. देन द लाइन रॉयड एंड द लिटिल पीपल रैन अवे. और फिर उसके बाद शेर इतनी जोर से धाड़ा कि वो छोटे आदमी भाग गए. फूल्स, सेड द विच. शी पुट ऑन अ गोल्डन कैप एंड सेड अ मैजिक स्पेल. अ क्राउड ऑफ फ्लाइंग मंकीज फिल द एयर. और अब उसने गुस्से से क्या कहा किया कि उसने एक गोल्डन कलर की कैप पहनी, और उसके बाद उसने अपना एक जादुई मंत्र पढ़ा, और जिससे क्या हुआ कि हर तरफ उड़ने वाले बंदर आ गए. ब्रिंग मी द फोर स्ट्रेंजर्स. और उन्होंने कहा कि जाओ उनको पकड़ के लाओ. वेट, आई डोंट नीड द स्केयरक्रो एंड द टिन मैन, जस्ट ब्रिंग मी द लाइन एंड द लिटिल गर्ल. और फिर उन्होंने कहा कि देखो उस टिन मैन और स्केयरक्रो को मत लाना, मुझे उनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ उस शेर को, उस डॉग को और उस लड़की को लेकर आना. द मंकी फ्लू आउट, पिक्ड अप द फोर फ्रेंड्स एंड फ्लू बैक टूवर्ड्स द विच कासल. दे ब्रॉट डोरोथी एंड द लाइन, बट दे ड्रॉप्ड द टिन मैन ऑन द रॉकी क्राउन एंड थ्रू द स्केयरक्रो इनटू अ टॉल ट्री. अब वो उन चारों को तो उठा के लेकर आए, लेकिन उन्होंने टिन मैन को भी बाहर ही फेंक दिया, और उन्होंने स्केयरक्रो को भी बाहरी दरख्तों में फेंक दिया. When the witch saw Dorothy's silver shoes, she smiled. She doesn't know what those shoes can do, she thought. फिर जब उस चुड़ैल ने डोरोथी के सुनहरे शूज को देखा तो वो मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि डोरोथी को इन जूतों के मैजिक का नहीं पता. You girl, you can work for me, she said. Fill that bucket and start washing the floor. Lion, you can pull my carriage when I go out. I'm not a horse, said the lion. I will never pull your carriage. अब चुड़ैल ने डोरोथी से कहा कि तुम मेरे घर में काम करोगी, और शेर से उसने कहा कि तुम मेरी गाड़ी को पुल करोगे, जिस पर शेर ने गुस्से से कहा कि मैं कोई घोड़ा नहीं हूँ कि जो मैं तुम्हारी गाड़ी को पुल करूंगा. You'll have no food until you do, said the witch. Do you want to die like your friends? You are horrible, said Dorothy. She threw a bucket of water at the witch. फिर चुड़ैल ने गुस्से से कहा कि फिर तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, और तुम्हें भी अपने दोस्तों की तरह से मरना पड़ेगा. ये सुनकर Dorothy ने पानी से भरी हुई बाल्टी चुड़ैल पर फेंक दी, और उससे कहा कि तुम बहुत ज्यादा हॉरेबल हो. Help, screamed the witch. Stupid girl, water is the worst thing for me. I'm melting. She became smaller and smaller until only her claws and the golden cap were left in a pool of water. उसने कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, पानी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है. और इसके साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी, यहाँ तक कि आखिर में सिर्फ उसके कपड़े और गोल्डन कैप रह गया. You've killed her, the little people cheered. We are free, we are free. और उन्होंने फिर खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुमने इसको मार दिया और अब हम आजाद हो गए. I'm glad about that, said Dorothy. I just wish the scarecrow and the tin man could be here. और फिर उसने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने उसे खत्म कर दिया, और मैं चाहती हूँ कि काश मेरे दूसरे दोस्त scarecrow और tin man भी यहाँ पर होते. Can we help? Asked the little people. They fetched the broken pieces of the tin man and carefully repaired him. Then they cut down the tree where the scarecrow had fallen and lifted him out. The four friends were together again. और फिर इस खुशी में उन छोटे आदमियों ने डोरोथी के फ्रेंड्स को लाकर उन्हें दोबारा से ठीक कर दिया.
Now we must go back to the Emerald City and ask the wizard to help us, said Dorothy. But how can we find it from here? अब उसके बाद डोरोथी ने कहा कि अब हमें वापस एमरल्ड सिटी में जाना होगा और जाके हमें विजर्ड ऑफ ओज को बताना होगा कि हमने इस विच को मार दिया है। मगर अब सवाल ये है कि हम वहां पर कैसे जाएंगे। ट्राई यूजिंग द गोल्डन कैप, सेड द लिटिल पीपल, रीड द स्पेल इनसाइड इट एंड द मंकीज विल डू व्हाटएवर यू वांट, द मैजिक विल वर्क 3 times। इस पर उन छोटे येलो आदमी ने कहा कि इस मैजिक कैप को लो और इसमें से मैजिक स्मेल को पढ़ो, ये तुम्हारी मदद कर सकता है। डोरोथी सेड दिस स्पेल देन आस्क्ड द फ्लाइंग मंकीज टू कैरी देम। अब डोरोथी ने वो जादुई मंत्र पढ़ा और फिर जब वो उड़ने वाले बंदर आए तो उन्हें हुक्म दिया कि वो उन सबको एमरल्ड सिटी ले जाए। द स्केयरक्रो एंड द टिन मैन वर अ लिटिल नर्वस बट द मंकीज हेल्ड देम केयरफुली ऑल द वे। अब स्केयरक्रो और टिन मैन थोड़ा सा डरे हुए थे लेकिन अब की दफा बंदरों ने उन्हें बड़े एहतियात से पकड़ा के वो गिरे ना। द लिटिल मैन एट द गेट वॉज सरप्राइज टू सी देम, यू वर सपोज टू किल द विच, ही सेड। अब जब उस छोटे आदमी ने जो कि गेट पर मौजूद था डोरोथी को और उसके दोस्तों को देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ और उसने कहा कि तुम तो उसको मारने वाले थे। वी डिड, सेड डोरोथी, वी मेल्टेड हर, सो नाउ वी रियली हैव टू सी द विज़र्ड। तो फिर डोरोथी ने बड़े जोश से बताया कि हमने उस विच को खत्म कर दिया है, उसको हमने पिघला दिया है और अब हम विज़र्ड से मिलना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज तक के लिए यही, और अब आपको इसके लास्ट पार्ट के लिए मेरी जो थर्ड पार्ट वीडियो है वो देखना होगी। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत मजे की लग रही है और अब आप चाहते हैं कि आप आगे भी इसको पढ़ें। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।